वेलकम बैक। तो कैसे हो सब लोग? आई होप आप लोग ठीक हो गए। तो और आज है बिट्टू की शादी, मतलब मेरे मामा की बेटी की शादी है। तो अभी हम लोग को जाना है उनके नानी घर, उसके बाद वहाँ से पटना जाना है लेकर सब सामान। तो चलो चलते हैं। और ये महान को भी जाना है, बोला हमको भी जाना है। तो अभी रो रहा है कि हमको भी जाना है। तो चलो चलते हैं पहले, ठीक ना, उसके बाद आपसे बात करते हैं। और तब तक आप रास्ता का व्यू एंजॉयमेंट लो, क्योंकि ज़्यादा मैं वीडियो बना नहीं पाऊँगा क्योंकि इतना सारा सामान रहेगा मेरे पास। तो ठीक है चलो, पहुँच गए हैं और अभी तो निकलते हैं ना घर और फिर आपसे बात करें। बहुत ज़्यादा स्पीड चल रही है, बहुत ज़्यादा, इसलिए साउंड आ रहा है ट्रेन का। हम चले बहारों में, गुनगुनाती राहों में। जा रहे हैं पटना क्योंकि तो शादी है, बताया था ना आप लोग को। तो चलो एसी में, भाई औकात देख रहे हो हमारी। एसी में घूमते हैं हम लोग, एसी में। तो मतलब क्या है कि सारी फैमिली हमारी एसी में है, ऐसा नहीं है, मतलब जितनी भी यहाँ पे है सारी फैमिली एसी में है। और कुछ फैमिली है जो छूती है लोग वो स्लीपर में बैठी है, उनको बोले थे कि चलने के लिए पर वो आ नहीं रही थी, तो उनको छोड़ दिया वहीं पे, जाओ जो करना करो। हम लोग आ गए एसी में। और चलो क्योंकि तो अभी टाइम कितना हो रहा है, चार बजे टाइम लग रहा है, चार। और हम चाय पीने का टाइम हो गया, चाय पीने का टाइम हो गया पर चाय मिल नहीं रहा है क्योंकि चाय बेचने वाला आता है, बोलता है पैसा दो। ट्रेन अभी बकवास चल रही है, हर जगह रुक चल रही है, ऐसे भी ट्रेन बकवास चल रही है, ऊपर से जी बना के रखी है एकदम टट्टी ऐसी बना दिया। और ऊपर से क्या है ना कि एसी में चाय बेचने वाला आ रहा है ना, तो हम लोगों को क्या लगा ना कि एसी में चाय बेचने वाला टिकट में करवा ही दिए पैसा देगा, पर दे ही नहीं रहा चाय। बोला कि ऊपर से एसी बंद कर रख ले, हां ऊपर से एसी बंद कर रखा है, इससे जो स्लीपर है, स्लीपर में गर्म ही ज्यादा चल रहा था, पर गर्म हवा चल रही है। आस पास में बहुत खूबसूरत खूबसूरत लोग बैठे हैं पर देखने का मन तो नहीं है। स्लीपर में और भी अच्छे हैं, स्लीपर में और अच्छे हैं, ऐसे ज़्यादा अच्छी है, ऐसी जब जुतिया लोगे ऐसी मज़ा नहीं है, ऐसी मज़ा नहीं है। हाँ कभी भी इंजॉयमेंट लेना है आपको ट्रेन में, ट्रेन के सफर में, तो स्लीपर और जनरल एसी मत आओ, एसी बकवास है, एसी बकवास। यहाँ पे बस सुतने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको, आप जनरल में जाओ आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और अगर जनरल में जा रहे हो तो तब तो बहुत क्या क्या नहीं मिल सकता है, नंबर मिल सकता है, बातचीत करने मिल सकता है, और भी कुछ हो सकता है, आप लोग जानते ही होंगे। हाँ लोअर से अपर तक जा सकते हैं आप, स्टार्टिंग में ना स्टार्टिंग पॉइंट से लेके अप पॉइंट वहाँ तक जा सकते हो। मिडिल तक जाना कब फर्क है? हाँ मिडिल तक, अरे मिडिल तक आप तो वहाँ तक भी जा सकते हो जहाँ तक कोई नहीं जा पाता। बस लौंडे में टैलेंटेड होना चाहिए, लौंडा टैलेंटेड होना चाहिए, ओवर टैलेंट। हाँ तब जैसे तो मेरे में, जैसे मेरे नहीं, हम सब में है ऐसा नहीं। मैं शरीफ हूँ, मेरा स्पेशल पर्सन सुन लेगा ना तो जान मार देगा मेरे को। अच्छा अरे मैं शरीफ हूँ, तुम ज्यादा मत सोचो। मैं शरीफ हूँ, मैं तो भैया लोग के साथ खाली ऐसे चिल कर ले रहा हूँ। मेरे जो भैया जो है इसी तरह से मैं तो फोन करके दम ये मेरे भैया है, ये मेरे मामा है, ये कर रहे, ये पता नहीं किसका बच्चा है, उठा लिया ये दोनों, उठा लिया ना तुम मेरे। बाढ़ नाम है पर बाढ़ में पानी नहीं है, तो कोई बात नहीं, अगली बार आएंगे ना तो पानी खोद देंगे, पानी खोद देंगे, चिल हो जाएगी, चिल होगा, चिल फिर चिल चिल बे, एक मग्गा पानी लेते आइए घर से। एक मग्गा पानी लेते आएंगे घर से। तो चलो सभी लोग, कोई बात नहीं, सभी लोग एक एक मग्गा पानी डालिए। हाँ एक एक मग्गा पानी डालिए, कोई कोई जाए तो एक डक्का भी डाल सकते हैं। तो ठीक है चलो चलते हैं, कहाँ ये तो बता दो। फिलहाल तो बैठे हैं, उतरेंगे पटना तो बात करते हैं। पार हो रहा है स्टेशन पर, स्टेशन दिख नहीं रहा है, देखिएगा थोड़ा थोड़ा क्योंकि पर्दा लगा हुआ है और
ये भी लगा हुआ है, देखिए खुल गया पर्दा, पर्दे के पीछे है, पर्दे के पीछे एसी है और एसी में अंधेरा है। बारिश स्टेशन पार कर रहा है पर इसमें पानी नहीं है, पानी नाम है। बस बाढ़ है, नाम बस बाढ़ है, पर बाढ़ में पानी नहीं है, पानी नहीं है। हम लोग आ गए हैं, सारे दिन पहुँच गए हैं ठीक ना, और भैया लोग यहाँ पे हैं, भैया लोग यहाँ पे हैं, और खा पी लिया हूँ और बैठ गया हूँ, देखो कैसे, क्योंकि हो गया पेट टंच, भैया तो फास्ट में है क्योंकि इसको खिला खा नहीं सकते, इनका ये दुख दर्द हम समझ सकते हैं क्योंकि कल में मैं भी फास्ट में था और सब लोग कुछ खा रहा था पर ऐसा कुछ नहीं खा रहा था जो मुझको देख के लालच हो, और मैं इसलिए अपने आप को घर में रूम बंद कर लिया था, और पंडित जी आ रहे हैं तो पंडित जी से जाके पूछना होगा मेरे साथ ही कब होगा, चलो चलो तो बात करता हूँ बाद में। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना कि धीरे धीरे। तो हेलो गाइस वेलकम, तो यार दो तीन दिन ब्लॉग नहीं आया मेरा क्योंकि मैं शादी में गया था, तो अभी मैं शादी से आ गया हूँ और अब से ब्लॉग आएगा डेली, तो उतना दिन जो मैं थोड़ा मोड़ा वीडियो क्लिप बनाते रहा हूँ तो आप उसको देखो एंजॉय करो, आज मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो वगैरह ठीक ना। तो अभी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है मेरे को, ऊपर से ये फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं अभी शूट कर रहा हूँ अपने बैक कैमरे से क्योंकि फ्रंट का जो स्क्रीन है वो वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए ठीक है मैं जा रहा हूँ, बहुत तेज़ नींद आ रहा है मेरे को। और अभी हो गया है शाम के 4, मैं जा रहा हूँ ऐसे भी सोने के लिए क्योंकि पूजा था घर में आज, फिर मम्मी लोग चली गई बाहर, तो ऐसे भी सोने जा रहा हूँ मैं, तो ठीक है गुड नाइट, कल से ब्लॉग डेली रहेगा ठीक। जय हिंद, जय श्री राम, श्री शिवाय, नमस्ते।